तो वहीं देवभूमि में मंदिरों में दर्शन के लिए अब 1100 रुपए का शुल्क लगाने पर बीजेपी ने विरोध जता दिया है। पूर्व मंत्री बिक्रम ठाकुर ने सरकार के इस निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा की और सरकार से तुरंत इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। साथ ही उन्होंने बताया कि बीजेपी ने वीआईपी कल्चर का खात्मा किया है, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार मंदिरों में भी वीआईपी कल्चर को बढ़ावा दे रही है। जिस प्रकार से समाचार पत्रों के माध्यम से ये मालूम हुआ है कि मंदिरों के अंदर बीपीआई दर्शनों के लिए 1100 रुपया जो है वो बीवीआईपी दर्शनों के लिए रखा गया है, ये जो फैसला सुक्खू सरकार ने लिया है ये कोई अच्छा फैसला नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि इस फैसले को वापस लेना चाहिए। धार्मिक स्थानों के अंदर हम इस प्रकार का भेदभाव, वहाँ पे धर्म के लिए जो लोग आते हैं उनमें हम कुछ लोगों को बीवीआई बोले और कुछ लोगों को आम आदमी बोले, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर इस प्रकार की व्यवस्था केवल और केवल मंदिरों में ही क्यों है, मैं ये पूछना चाहता हूँ सुक्खू सरकार से कि क्या दूसरे संप्रदाय जो हैं वहाँ पे उनके धार्मिक स्थानों पे आप इस प्रकार का कोई टैक्स लगा के देखिए, इस प्रकार का कोई कल्चर तैयार करके देखिए, तो पता लगेगा कि किस प्रकार का रिएक्शन वहाँ के संप्रदाय के लोगों से आता है। मैं इन चैनलों के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो ये फैसला लिया गया है इसको तत्काल वापस किया जाए।